द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। एक बार फिर से लाखों की संख्या में किसान दिल्ली में कूच करने वाले हैं। दिल्ली में रामलीला मैदान में किसानों की महापंचायत होने वाली है। इससे पहले भी दोस्तों किसान जो हैं वो हजारों की संख्या में आए हैं रामलीला मैदान में, और वहां पर गर्जना रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें सरकार को साफ साफ ये कहा गया था कि हमारी मांगे अगर पूरी नहीं होती तो हम इससे बड़ा प्रदर्शन जो है वो करेंगे। और इसी के क्रम में किसान जो है वो एक बार फिर से दिल्ली में कूच करने जा रहे हैं, और इस बार किसानों की संख्या जो है वो लाखों में बताई जा रही है। एक बार फिर से केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ाने किसान जो हैं वो दिल्ली में दस्तक दे रहे हैं, दिल्ली में कूच कर रहे हैं। इसी के साथ किसानों की क्या कुछ मांगे हैं आपको बताएंगे। खबर देखिए, खबर में लिखा है दिल्ली के लिए फिर क्यों लाखों किसानों का कूच, महापंचायत के क्या हैं मुद्दे। एक बार फिर से दिल्ली में लाखों किसान जो हैं वो रामलीला मैदान में महापंचायत करने आ रहे हैं, और मोदी सरकार को यहां पर खासा मुश्किलों का सामना जो है करना पड़ सकता है, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि किस तरीके से किसानों का आंदोलन चला, 3 कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन हुआ, और उसके बाद सरकार को जो है किसानों के सामने झुकना पड़ा और 3 कृषि कानून जो है वो वापस लेने पड़े। एक बार फिर से किसान जो है वो लाखों की संख्या में दिल्ली कूच करने वाले हैं, और इस बार क्या होगा ये देखना होगा। इसी के साथ खबर में देखिए लिखा है दिल्ली के रामलीला मैदान में सोमवार को किसान महापंचायत होने जा रही है। संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि इस महापंचायत में हिस्सा लेने के लिए लाखों किसान राजधानी पहुंच रहे हैं। बीते महीने किसान संगठनों के एक समूह SKM ने कहा था कि MSP को कानूनी रूप देने के लिए, दबाव बनाने के लिए दिल्ली में महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। तो यहां पर एक बार फिर से MSP का मुद्दा जो है वो गूंज रहा है। MSP पर कानून बनाने के लिए, दबाव देने के लिए किस तरीके से एक बार फिर जो है वो किसान एक्शन में आ गए हैं, और महापंचायत जो है वो दिल्ली में होनी जा रही है। लाखों की संख्या इनकी बताई जा रही है, और लाखों की संख्या में जब किसान आएंगे तो आप देखिए कि किस तरीके से क्या कुछ माहौल देखने को मिलेगा। इससे पहले भी गर्जना रैली की गई जिसमें 20 से 30 हजार लोग आए थे, 20 से 30 हजार संख्या बताई जा रही थी किसानों की, जिसके बाद दिल्ली पुलिस को बाकायदा एक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी करनी पड़ी, क्योंकि किसानों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि पुलिस को जो है ट्रैफिक के इंतजाम करने पड़े। और अब फिर से लाखों किसान जो है वो दिल्ली में कूच करने जा रहे हैं, महापंचायत होगी। SKM नेता दर्शन पाल सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा 9 दिसंबर 2021 को सरकार ने हम लोगों को जो लिखित आश्वासन दिया था उसे पूरा करना चाहिए। इसके अलावा किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए। संयुक्त किसान मोर्चा ने भी 3 कृषि कानूनों के खिलाफ 1 साल तक आंदोलन किया था, इसके बाद केंद्र ने इन कानूनों को वापस ले लिया था। अब सरकार ने क्या कुछ कहा है किसानों की मांगों के लिए, और किसानों की मांगे क्या है वो आपको बताते हैं। सरकार ने कहा था कि वो किसानों की मांगों को मानेगी, जिन किसानों के खिलाफ केस दर्ज हुए हैं उन्हें वापस लेगी, और MSP के लिए कानूनी गारंटी दी जाएगी। SKM ने केंद्र द्वारा बनाई गई MSP समिति को भी भंग करने की मांग की थी। किसानों की मांग है कि जिन किसानों की आंदोलन के दौरान मौत हो गई थी उनके परिवार को मुआवजा दिया जाए, इसके अलावा बिजली के बिल और कर्ज माफ किए जाए। किसान पेंशन की भी मांग कर रहे हैं। तो यहां पर किसानों की कई मांगे, MSP समेत MSP एक बड़ा मुद्दा देखने को मिला था, जब किस तरीके से 1 साल किसानों का प्रदर्शन चला, 3 कृषि कानूनों को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया, और देश भर के किसान जो हैं वो दिल्ली के बॉर्डर पर किस तरीके से जमा हुए और साल भर तक प्रदर्शन किया, उसमें भी MSP जो है एक अहम मुद्दा रहा। और अब भी किसान जो है महापंचायत में MSP के मुद्दे पर जो है सरकार से बात कर सकते हैं। इसी के साथ SKM का कहना है कि JPC द्वारा रेफर किया गया इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 को वापस ले लेना चाहिए। उनका कहना है कि सरकार ने लिखित में यह आश्वासन दिया था कि बिना SKM के सलाह मशविरा का बिल सदन में पेश नहीं किया जाएगा, लेकिन इसे सीधे सदन में पेश कर दिया गया। किसानों की मांग है कि खेती के काम के लिए फ्री में बिजली मिलनी चाहिए, इसके अलावा 300 यूनिट तक घरेलू बिजली पर भी बिल माफ होना चाहिए। इससे पहले भी कई तस्वीरें देखी जिसमें किसान लगातार किस तरीके से कूच कर रहे हैं। एक महाराष्ट्र से भी तस्वीर सामने आई जिसमें महाराष्ट्र के किसान किस तरीके से शिंदे सरकार को घेरने के लिए, MSP के लिए अपना जो उत्पाद है उसका जो सही मूल्य के लिए किस तरीके से उन्होंने मार्च किया, उसमें भी 10,000 किसानों के होने की संख्या बताई
अदायगी की 10,000 किसान जो हैं वो पैदल मार्च कर रहे हैं। हालांकि शिंदे सरकार जो है किसानों से बातचीत के लिए राजी हो गई है, जिसके बाद उन्होंने अपना मार्च खत्म कर दिया। लेकिन लगातार एक बार फिर से जो है केंद्र की जो सरकार है उसको घेरने के लिए किसान एक बार फिर से फ्रंट फुट में आ गए हैं। और जो वायदे किसान को लेकर बीजेपी सरकार ने किए थे, केंद्र सरकार ने किए थे कृषि कानून बिल को वापस लेते वक्त और उनका प्रदर्शन खत्म करते वक्त, तो उसको लेकर एक बार फिर से जो है बहस यहां पर शुरू हो गई है। और किसानों की मांग है कि जो आपने वादे किए थे अब उसे पूरा करिए, लिखित में आश्वासन जो है वो नहीं चाहिए। तो एक बार फिर से लाखों की संख्या में किसान जो है वो दिल्ली के रामलीला मैदान में कूच करने वाले हैं। और इसी के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में किसानों को नजरअंदाज करना सत्ता के लिए या फिर यूं कहे कि बीजेपी के लिए कितना खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये बात जो है दोस्तों कह नहीं सकते। इसी के साथ आपको बता दें कि महाराष्ट्र में किसानों का जो मार्च है वो समाप्त हो चुका है, क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार किसानों से बात करने के लिए राजी हो गई है। उनकी क्या कुछ मांगे थी आपको एक बार फिर से बता देते हैं। नासिक से मुंबई के लिए रवाना हुए किसानों का लॉन्ग मार्च शनिवार को अधिसंख्य मांगे पूरी होने के बाद समाप्त हो गया। ये मार्च ऑल इंडिया किसान सभा के नेतृत्व में निकाला गया था। इससे पहले रामलीला के मैदान में, दिल्ली के रामलीला मैदान में भी 10,000 से 20,000, 30,000 किसान जो हैं वो डटे किसान गर्जना रैली के लिए, और उसमें भी कई तरह की मांगे की गई। देश प्रदेश से जो है वो किसान आए, तो किसानों का मुद्दा जो है वो एक बार फिर से गर्माता जा रहा है। नासिक में जैसे हमने देखा कि किस तरीके से महाराष्ट्र के किसानों ने पैदल मार्च किए, 10,000 की संख्या जो है वो बताई गई, और यहां पर अब लाखों की संख्या में दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान जो है वो कूच करने वाले हैं। इससे पहले भी गर्जना रैली जो है दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई। दिल्ली के रामलीला मैदान में 20,000 से 30,000 किसान जो है वो डटे अपनी मांगों को लेकर, किसान गर्जना रैली उन्होंने की। और इसी के साथ आपको उनकी मांगे भी बता देते हैं। किसानों की मांग थी, भारतीय किसान संगठन की मांग थी कि केंद्र सरकार कृषि उपज पर जीएसटी ना लगाए। ये जब रामलीला के मैदान में गर्जना रैली हुई तब की मांगे हैं, यानी सभी उपज को केंद्र सरकार जीएसटी फ्री कर दे, ये किसानों की मांग थी। इसके अलावा किसानों को मिलने वाला पीएम किसान सम्मान निधि की भी रकम को खेती में बढ़ रहे लागत के अनुसार बढ़ा दिया जाए। किसानों की मांग थी कि अनाज में उन्हें सब्सिडी मिले, साथ ही किसानों को डीबीडी के तहत आर्थिक सहायता भी दी जाए। यहां तक कि यह भी कहा गया कि किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा भी बढ़ाई जाए। किसानों की मांग है कि केंद्र सरकार किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाए। भारतीय किसान संगठन का कहना है कि किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाकर 10,00,000 रुपए कर दी जाए। अभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के तहत 3,00,000 रुपए दिए जाते हैं। इसके अलावा भी किसान कई और मांगों के समर्थन में रैली का आयोजन कर रहे हैं। तो गर्जना रैली हुई, उसके बाद अब फिर से महापंचायत जो है दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली है। पहले 20,000 से 30,000 किसान जो है जुटे, और अब लाखों की संख्या में, यानी कि संख्या जो है वो दोगुनी तिगुनी हो गई है, और लाखों की संख्या में किसान जो है वो दिल्ली कूच करने वाले हैं। और इसके बाद क्या कुछ देखने को मिलेगा, सरकार इनसे बात करेगी या नहीं करेगी। जिस तरीके से नासिक में प्रदर्शन खत्म हो गया किसानों का, पैदल मार्च खत्म हो गया, यहां पर किसानों की स्थिति क्या रहेगी, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव हैं और किस तरीके से कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। ऐसे में किसानों को नजरअंदाज करना किस तरीके से खतरनाक हो सकता है, और किस तरीके से बीजेपी को उसका खामियाजा जो है वो चुनावों में भुगतना पड़ सकता है। तो इन सब को देखते हुए क्या कुछ किसानों के साथ बातचीत की जाएगी एमएसपी को लेकर, क्या अभी भी उन्हें आश्वासन दिया जाएगा, कानूनी दबाव बनाने के लिए किसान जो है वो दिल्ली में कूच तो कर रहे हैं लेकिन उनकी मांगे कितनी मानी जाएंगी, ये तो देखना होगा। आप किसानों के इस कूच को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।